Hello, my all lovely students and my all friends, welcome you all in a computer class. I hope आप लोग बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं. Friends, आज की क्लास है Fundamental of Computer, क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट है कंप्यूटर का. इसके पहले प्रीवियस लेक्चर, तीन लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसे आप लोग देख लीजिएगा. अगर आप लोग उसे नहीं देख पाएंगे तो फिर इससे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है. चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. इसके पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है, ठीक है. आपका जो चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है. इनपुट डिवाइस, CPU, आउटपुट डिवाइस, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा है. उसके बाद हार्डवेयर, हार्डवेयर में इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, CPU, स्टोरेज डिवाइसेस, ये सब हमने डिटेल में डिस्कशन किया है, ठीक है. और उसके बाद देखते हैं और क्या क्या हमने पढ़ा है. CPU मतलब ये जो सारी चीज़ें, इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है. मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ALU, आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, स्पीकर, प्रिंटर, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ी हैं. प्लॉटर हो गया, LCD, स्टोरेज डिवाइसेस, प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी के टाइप कौन कौन से हैं वो भी हमने देख लिया, ठीक है. तो इतनी सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया है. उसे आप लोग प्लेलिस्ट में जाके, क्लास 6 के प्लेलिस्ट में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, आपको ढूंढने में आसानी होगी. चलिए आज पढ़ते हैं सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी क्या है, ठीक है. सेकेंडरी मेमोरी इज़ आल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी और बैकअप मेमोरी. आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी है इसे हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं और बैकअप मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है. किसको? सेकेंडरी मेमोरी को. और इसमें इसका यूज़ होता है डेटा को स्टोर करने का, प्रोग्राम जो होते हैं उसे स्टोर करने का, इंफॉर्मेशन जो होती है वो इसमें स्टोर होती है, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा कंटेंट, ठीक है. इट हैज़ मच लार्जर कैपेसिटी दैन द प्राइमरी मेमोरी. इसकी जो कैपेसिटी होती है वो प्राइमरी मेमोरी से बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है. दीज आर नॉन वोलेटाइल एंड यूज्ड फॉर परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा. और आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी है ये नॉन वोलेटाइल होती है और इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो परमानेंट स्टोर होता है. ऐसा नहीं है कि जैसे आपकी प्राइमरी मेमोरी है उसमें क्या है, डेटा तब जब तक कंप्यूटर ऑन है उसमें डेटा है, कंप्यूटर ऑफ हुआ आपका सारा डेटा रिमूव हो जाता है, डिलीट हो जाता है, ठीक है. इसलिए आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ होता है डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए होता है, ठीक है. और इसमें ह्यूज अमाउंट में डेटा भी हम स्टोर करके रख सकते हैं. चलिए देखते हैं. इसके प्रकार हार्ड डिस्क. सबसे पहले आपका हार्ड डिस्क. अ हार्ड डिस्क इज अ मैग्नेटिक डिस्क विच इज़ यूज टू स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर मेटल प्लेटर्स कंटेनिंग अ थीन कोटिंग ऑफ फॉर मैग्नेटिक मटेरियल इन टू अ सील्ड केस. आपका ये हार्ड डिस्क है, ठीक है. ये पिक्चर आप देख लीजिए. हार्ड डिस्क भी क्या है, एक मैग्नेटिक डिस्क है जिसमें ह्यूज अमाउंट में डेटा स्टोर होता है, ठीक है. ये एक या एक से अधिक थीन कोटिंग, जो फिर मैग्नेटिक मटेरियल से कोटेड प्लेट होती है, ठीक है. बहुत ही पतली सी प्लेटें होती हैं सील्ड केस में, एक या एक से अधिक, ठीक है. और इसका यूज़ होता है आजकल जो PC में, आज के टाइम में जो पर्सनल कंप्यूटर में हार्ड डिस्क यूज़ हो रहा है उसकी जो साइज़ है वो 500 GB से लेके 1 TB तक, यानी 500 GB से लेके 1 TB तक डेटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है. आगे देखते हैं. आपका है कॉम्पैक्ट डिस्क. ये भी क्या है, कि स्टोरेज डिवाइस है. ये सब आपकी सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल है, ठीक है. हार्ड डिस्क हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, DVD हो गया, ये सब क्या है, सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल है. कॉम्पैक्ट डिस्क यूज ऑप्टिकल मीडिया टू स्टोर ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स एंड ऑल्सो अदर टाइप ऑफ डेटा. कॉम्पैक्ट डिस्क भी आपकी क्या है, एक ऑप्टिकल डिस्क है जिसमें आप ऑडियो वीडियो फाइल स्टोर कर सकते हैं और भी कई सारे टाइप के डेटा आप इसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है. हैविंग ए स्टोरेज कैपेसिटी, की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 700 MB होती है, ठीक है. और ये अलग अलग वेरिएंट में इसके अलग अलग वेरिएंट होते हैं, ठीक है. और आपका जो CD-ROM होता है इसका जो फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी. CD-ROM का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी. इसमें डेटा स्टोर एक बार किया जा सकता है, ठीक है. रीड ओनली मेमोरी से ही आपको समझ जाना चाहिए कि इसमें डेटा एक बार स्टोर होता है. रीड ओनली यानी इसमें डेटा एक बार आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन रीड इसे कई बार कर सकते हैं लेकिन डेटा को रिमूव नहीं कर सकते आप, फिर से वापस से बार बार डेटा इसमें चेंज नहीं होता है, ठीक है.
किसमें, सीडी रोम में, जहाँ पे भी रोम रीड ओनली मेमोरी हो गया वहाँ पे ये चीज़ आप समझ लीजिए कि उसमें डेटा एक बार रिकॉर्ड होता है, उसे आप कई बार रीड कर सकते हैं लेकिन फिर उसमें चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और आपका जो CDRW होता है, यानी ये जो ये RW का फुल फॉर्म क्या है, रीड एंड राइट, इसमें डेटा आप स्टोर करते हैं, इसमें आप डेटा को राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, डेटा को रिमूव कर सकते हैं, अगेन इसमें डेटा राइट कर सकते हैं जितनी बार भी आप चाहें, ठीक है। ये डिफरेंस है CDRW में और CD-ROM में। अब देखते हैं डिजिटल वर्सटाइल डिस्क यानी DVD, ठीक है। आप सबने DVD देखा है, DVD का यूज़ भी किया हुआ है, ये है आपकी DVD की पिक्चर्स। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क इज ऑल्सो कॉल्ड डिजिटल वीडियो डिस्क। ये जो आपकी DVD है इसका फुल, इसको हम डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहते हैं, ठीक है। और इसका यूज़ होता है स्टोर वीडियो फाइल्स ओनली। DVD में सिर्फ वीडियो फाइल स्टोर होती है। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आपका जो CD है इसमें आप फोटोज़ यानी पिक्चर्स भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो DVD है इसमें ओनली वीडियो फाइल ही होती है रिकॉर्ड, ठीक है। इसमें वीडियो फाइल ही स्टोर किया जाता है। दिस इज़ एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। ये भी एक ऑप्टिकल डिवाइस है, जैसे आपकी CD है, जैसे CD ऑप्टिकल डिवाइस है उसी तरीके से आपकी क्या है, DVD भी ऑप्टिकल डिवाइस है। और जनरली इसका जो यूज़ होता है वो होता है मूवीज़ रिकॉर्ड करने में, हाई क्वालिटी के जो वीडियो होते हैं, साउंड होते हैं, उसे रिकॉर्ड करने में इसका यूज़ होता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू टेक बैकअप ऑफ डेटा स्टोर इन हार्ड डिस्क। और हार्ड डिस्क में जो डेटा होता है उसे इसमें स्टोर कर लिया जाता है बैकअप के लिए, बैकअप के लिए भी यूज़ होती है DVD, ठीक है। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो होती है 4GB टू 17GB, यानी 4GB से लेके 17GB तक की आप इसकी कैपेसिटी होती है डेटा स्टोर करने की, ठीक है। आगे देखते हैं ब्लू रे डिस्क, इसको शॉर्ट में BD कहते हैं। ब्लू रे डिस्क भी क्या है, आपकी एक ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट है जिसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं 25GB सिंगल लेयर में। इसमें सिंगल, इसकी जो एक सिंगल लेयर है उस पर हम 25GB डेटा स्टोर होता है, ठीक है। एंड 50GB जो डेटा स्टोर होता है वो डुअल लेयर डिस्क में, जो डिस्क डुअल लेयर होती है उसमें 50GB डेटा स्टोर होता है, और जो सिंगल लेयर डिस्क होती है उसमें 25GB डेटा स्टोर होता है ब्लू रे डिस्क में, ठीक है। दीज आर यूज टू स्टोर हाई डेफिनेशन वीडियो। ये इसका जो यूज़ होता है ये हाई डेफिनेशन वीडियो को स्टोर करने के लिए होता है, ठीक है। ब्लू रे डिस्क एंड ड्राइव्स आर एन अपग्रेड एंड रिप्लेसमेंट टू द CD एंड DVD। और ये आपका जो ब्लू रे डिस्क है ये रिप्लेस कर देगा किसको, CD और DVD को, ठीक है। एक तरीके से अपडेटेड वर्जन है CD और DVD का, ठीक है। आइए देखते हैं फ्लैश ड्राइव। ये है आपकी फ्लैश ड्राइव, इसे देख के समझ में आ रहा है कुछ आप लोग, इसे हम पेन ड्राइव भी कहते हैं, पेन ड्राइव। फ्लैश ड्राइव वर्ड नहीं समझ में आया लेकिन पेन ड्राइव तो आप सब लोग को समझ में आ गया है ना। ये है आपकी पेन ड्राइव पिक्चर, देख लीजिए। चलिए अब देखते हैं इसके बारे में, जानते हैं इसका क्या यूज़ है। इट इज़ अ प्लग एंड प्ले डिवाइस यूज्ड फॉर कॉपिंग एंड मूविंग डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, ठीक है। ये जो क्या है, ये इसे इस जो आपकी पेन ड्राइव होती है वो प्लग एंड प्ले, इसको कंप्यूटर में लगा के या फिर किस जिस लैपटॉप है आपका, आपका पर्सनल कंप्यूटर है, आपका USB है, उसमें क्या करते हैं, इसे इसे प्लग करते हैं ना, प्लग इन करते हैं, उसके बाद इसमें डेटा स्टोर करते हैं, डेटा मूव करते हैं, कॉपी करते हैं, जो भी हमें करना होता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा इससे कॉपी हो जाता है, ठीक है। ये बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही लाइट वेट होता है इसका, और ये रीराइटेबल डिवाइस है, मतलब इसमें डेटा आप कई बार आपको रीराइट कर सकते हो, आप डेटा राइट करके रिमूव कर सकते हो, अगेन डेटा इसमें इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है, स्टोर कर सकते हो डेटा। इट कैन बी अटैच टू एनी यूनिवर्सल, ये किसी भी USB पोर्ट से अटैच्ड हो जाता है, ठीक है। और इसको जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 2GB से लेके 1TB तक होती है, यानी 2GB 2GB से लेके 1TB तक डेटा आप इसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। और इसमें जो डेटा इरेज होता है वो इलेक्ट्रिकली EEP ROM का एक ये जो टाइप है, ये EEP ROM का टाइप है, ठीक है। इसमें डेटा को इलेक्ट्रिकली इरेज किया जा सकता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इसे रीराइटेबल डिवाइस बोला गया है। अब चलिए देखते हैं मेमोरी कार्ड, ठीक है। ये है आपका मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड तो आप सब लोग को पता है, एक बार देख लीजिए। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। Alternatively referred to as a flash memory card is a type of storage media that is often used to store photos, videos or other data in electronic devices.
ये आपका क्या है, एक फ्लैश मेमोरी कार्ड है जिसका अल्टरनेट इसका यूज़ किया जाता है डेटा को स्टोर करने में। आपकी जो मीडिया होती है, फाइल होती है, फोटोज़ होती है, वीडियोस होती हैं, और भी कई तरीके का डेटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में स्टोर करने के लिए मेमोरी कार्ड का यूज़ होता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका फ़ोन ही है, ठीक है। डिवाइसेस दैट कॉमनली यूज्ड अ मेमोरी कार्ड, अब नीचे डिवाइसेस का नाम दिया गया है, उन डिवाइसेस का जिसमें ज़्यादातर मेमोरी कार्ड यूज़ होता है, और वो डिवाइस कौन सी है, डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमकॉर्डर्स, हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स, MP3 प्लेयर्स, सेल फोन्स, गेम कंसोल्स एंड प्रिंटर्स, इसमें मेमोरी कार्ड का यूज़ अक्सर होता है, ठीक है। अब आपका आज का जो सेशन है यही कम ख़त्म कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है, सॉफ्टवेयर का टाइप और सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल में डिस्कस हम करेंगे, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, और अगर आप लोग को लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप प्रॉपर क्लास अटेंड करते रहें, ठीक है। और आप लोग परेशान मत होइए, इधर बीच वीडियोस नहीं आ रहे थे, लेकिन अब आपको प्रॉपर वीडियोस मिलेंगे और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी मैं, ठीक है। और प्रीवियस लेक्चर आप लोग एक बार ज़रूर रिविज़न कर लीजिएगा, जिससे आप लोग इससे कनेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय, हैव अ गुड डे।